तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो में जॉयस्टिक मूवमेंट के बारे में मैं थोड़ा ज्ञान बांटूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूं, मैं कोई कॉम्पिटिटिव प्लेयर नहीं हूँ जिसने कुछ कस्टम रूम में उखाड़ लिया हो। मैं बस एक नॉर्मल क्लासिक प्लेयर हूँ। तो कई बार आपके साथ होता होगा जब इंटेंस फाइट चल रही हो क्लासिक में, तब आप कहीं और मूव करना चाहते हो और आपकी जॉयस्टिक आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आप कहीं और जा रहे हो, तो उस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बस एक ही उसका उपाय है, प्रैक्टिस। और उसके लिए मैं एक ड्रिल बताऊंगा आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके। वो ड्रिल करके आप अपने एक कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, उसको आप एक ट्रेन कर सकते हो उस ड्रिल की मदद से। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, ये वाले एरिया पे आके सामने आपको जो रोड्स दिख रही है ना, उसके अंदर zigzag भागने हैं। तो आपको यहाँ से पूरा स्प्रिंट करके भागना है zigzag। और जैसे ही वहाँ पे बॉक्स पे पहुँचो, आपको स्प्रिंट छोड़ देनी और क्राउच करना है। देखिए, और सामने जाके बड़े वाले बॉक्स पे या खड़े भी रह सकते हो या क्राउच भी कर सकते हो, पर मेक श्योर कि जब भी आप अगले बॉक्स पे पहुँचो तो आपको अपनी जॉयस्टिक को स्प्रिंट नहीं कर रहा है। दोस्तों, कई बार आपके साथ होता होगा कि आप कहीं फाइट ले रहे हो, आप कहीं पे TPP ले रहे हो, आपको एकदम स्प्रिंट करके राइट या लेफ्ट भागना पड़ेगा। उस टाइम के आपका कैरेक्टर वो स्प्रिंट ही नहीं मारता है, बोट की तरह एकदम धीरे धीरे चलता है। तो ये बॉक्स वाला है ना, जो बॉक्स पे क्राउच करके फिर राइट लेफ्ट जा रहा हूँ मैं, यहाँ वो ट्रेनिंग आपको बहुत ही मदद करेगी। हाँ, ये दिखने में थोड़ा आपको लगेगा कि ये क्या कर रहा है। मैं हर रोज़ इसको 15 मिनट करता हूँ सिर्फ, मेरी मूवमेंट बहुत अच्छी हो गई, ट्रस्ट में। हाँ, मानता हूँ कई लोगों को ये लगेगा कि ये बोट वाली ट्रेनिंग क्या है, इससे क्या होगा, बट आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, सिर्फ 7 दिन ट्राई करके देखिए, आई गारंटी ये काम करेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, ठीक है? और अगली वीडियो हम लाएंगे हिप फायर के ऊपर। मेरा भी हिप फायर ठीक ठाक है, मतलब अपने दोस्त बोलते हैं क्लोज रेंज में मैं अच्छा खेलता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई क्लोज रेंज में ताकि हिप फायर ही होता है मेन, तो अगला वीडियो आई थिंक हिप फायर के ऊपर आने वाला है। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।